जनाब कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है 10 मुहर्रम कारबला का वाक्य। मतलब 10 मुहर्रम को जैसे रमजान का महीना है, वैसे जैसे 21 रमजान को शहादत थी हजरत अली की, सो वैसे ही 10 मुहर्रम जो होता है वो इस्लामिक कैलेंडर की तरह से उसका पहला मंथ स्टार्ट होता है वो ना। मुहर्रम होता है स्टार्ट? हाँ, रमजान होता है स्टार्ट। मुहर्रम बताया नहीं यार, रमजान स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से। रमजान पहला मंथ होता है इस्लामिक। नहीं यार, मुहर्रम होता है। मुहर्रम होता है, मुहर्रम है ना। यस अच्छा हाँ, तो इसको देखते हैं। मुहर्रम आई थिंक इसके 2-3 महीने बाद आता है, अगस्त तक आएगा मेरे ख्याल से, है ना। सो देखते हैं, बाकी वाक्य सुनते हैं क्या है। मेहरबान अली यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, मेहरबान अली वीडियो पे रिएक्शन करो मेहरबान अली। सो फाइनली करने लगे इस पे रिएक्शन, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और मुहर्रम के रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो आप हमें शॉर्ट में बता सकते हो कि क्या हुआ था इस मंथ में और क्या होता है ना। सो बाकी इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। जब कर्बला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया, रसूलल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे अल्लतश की सदाएं बुलंद करने लगे। तारीख ने लिखा 3 दिन रसूलल्लाह के खानदान का पानी बंद था। बस जब कर्बला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया। इमाम इस मतलब ये इस वाक्य पे वो भी बना हुआ है ना, नोहा क्या मोहम्मद को प्यार नहीं हो, वो हमने रिएक्शन किया था, क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का ना। हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए तो फौज यजीद के सामने आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई इस गरीब की मदद करने वाला। आसमान हिल गया, जमीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए, जिन्नात कहने लगे या हुसैन इब्ने अली हमें हुक्म करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी, लेकिन अफसोस तमाम इंसान रसूलल्लाह के नवासे की गुर्बत में हंसने लगे। इतने में खेमे में एक सगीर अपने आप को झूले से गिरा देता है। बीबी रुबाब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगी ऐ नवासाए रसूल, जैसे ही आपने हल मिन नासिर यंसुरना कहा, आपके इस शहजादे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर का सर चूमते हैं और फरमाते हैं ऐ रुबाब, मैं असगर को पानी पिला के आता हूँ। रसूलल्लाह का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 माह के अली असगर को गोद में लेके मैदान करबला आते हैं और कहते हैं ऐ लोगो, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूलल्लाह के इस नवासे से है, इस मासूम सगीर बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ऐ लोगो, 3 दिन से इस 6 माह के बच्चे ने पानी नहीं पिया, प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ऐ लोगो, इस बच्चे को पानी पिलाओ। फौज यजीद में से आवाज आई हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो, अगर ये बच्चा खुद मांगेगा तो हम इसे पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे ऐ असगर, मांग अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। इमाम हुसैन का ये कहना था, अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे ऐ जालिमो, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूँ, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ऐ लोगो, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा अली असगर की सदा से फौजी अश्किया हिलने लगी, कोहराम बरपा हो गया। उमर बिन साद और शिमर ने कहा कहीं फौजी यजीद बगावत पे ना उतर आए। हुरमिला तीर चला, हुरमिला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था, तारीख ने लिखा अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर की 3 नोके थी, एक नोक अली असगर की कमर में लगी, एक नोक अली असगर के बाजू में लगी, एक नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे जा लगा। तारीख ने लिखा अली असगर के जिस्म से खून और दूध बहकर इमाम हुसैन के हाथों पे आ गिरा। इमाम हुसैन खूने अली असगर हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे हैं, चाहा
के असगर के खून को जमीन के हवाले करें। जमीन की खुट्टी ऐ मौला, अगर इस नाहक खून को हम पिघराया, रोजे महशर तक हम अनाज नहीं उगलेंगे। इमाम हुसैन ने चाहा कि उस खून को आसमान के हवाले करें। आसमान कहने लगा, ऐ रसूल अल्लाह के नवासे, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका, हम रोजे महशर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन ने खून अली असगर अपने चेहरे पे मला और उन जालिमों की तरफ देख के कहने लगे, ऐ लोगो, रोजे महशर मैं खून अली असगर अपने चेहरे पे लेके आऊंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा कि मेरे असगर का क्या जुर्म था। बस अली असगर की लाश को अबा में छुपाए जैसे ही खेमे में आए, बीबी रुबाब ने रोके पूछा, ऐ मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबा को अली असगर के जिस्म से हटाए। बीबी रुबाब चीख के कहने लगी, या मौला, जिसने हमारे असगर को मारा, क्या उसकी कोई औलाद न थी? इमाम हुसैन ने फरमाया, रिज़्क पे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अम्रे ही, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी ये है कि हम हर जुल्म सह के इस्लाम के लिए सब्र करें, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बचना है। आओ रुबाब, असगर की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खेमे के पीछे एक जगह पे जुल्फिकार से खट्टा खोदते हैं और अली असगर को करबला की गर्म जमीन में तदफीन कर देते हैं। बस जैसे ही इमाम हुसैन की शहादत हुई, बीबियों के खयाम जलाए गए, आले रसूल को लूटा गया, सरों को काटा गया। तो उमर बिन साद ने कहा, गिनो कहीं कोई सर रह तो नहीं गया। किसी जालिम ने कहा, एक सर रहता है। शिविर ने पूछा, कौन सा सर? उस जालिम ने कहा, हुसैन एक 6 माह का बच्चा लेके आए थे, हमने उसको तीर मार के शहीद किया था, उसका सर नहीं मिलता। शिविर ने कहा, ढूंढो, जमीन पे नेजा मारते रहो, यहीं कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस करबला की गर्म जमीन पे फौजे यजीद नेजे मारते मारते अली असगर को ढूंढती रही। तारीख ने लिखा, एक जगह नेजे का लगना था, जैसे ही नेजा ऊपर आए, अली असगर का जिस्म उस नेजे पे सवार। फौजे यजीद खुशी से झूम रही थी और वहाँ एक माँ ने जैसे अपने बच्चे को नोके सिरा पे देखा, मदीने की तरफ मुंह करके कहा, या रसूल अल्लाह, देखे आपकी उम्मत ने हमारे साथ क्या जुल्म किया। मेरे घुसों से आवे सुन के सही बात है ना। सो मतलब यार लिटरली जो लोग इतने बुरे होते हैं लोग यार, उसको मतलब पहले मार दिया गया 3 से एक छोटे से बच्चे को यार, है ना, 6 महीने का बच्चा क्या होता है। हम लोग कहते हैं अगर ये पानी मांगेगा तो हम इसको पानी देंगे, इतना दर्द कैसे दे सकता है यार कोई किसी को। मैं मतलब और सबसे सीखने वाली बात ये है कि मतलब लोगों को भूलनी नहीं चाहिए यार ये सब कुर्बानियां। उन्होंने अपने दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए यार अपनी अपनी जानें कुर्बान की है। उनको पता भी था कि हमारे साथ ये होगा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने पहले बता दिया था कि तुम्हारी शहादत ऐसे होगी कारबला के वाक्य में। तो वो अपने आप को बचा सकते थे अगर चाहते तो, वो जंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करी। उनको पता है कि अगर खून बहेगा, अगर ये सब चीज़ें होगी तभी इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम तभी फैलेगा। तो ये था, बाकी यार लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और मतलब इतनी कुर्बानियाँ हैं, आज जिंदा हैं, आज मतलब ये सब रख पा रहे हैं, रोज़े रख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं दुनिया, तो उनकी शहादतों की वजह से है ना। और जो फ्री हैं हम, आज़ाद हैं, तो वो उन्हीं की शहादतों की वजह से है ना। ये थी वीडियो और देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो जो आपने सजेस्ट करी होगी। तो ऐसे ही वीडियो सजेस्ट करते रहिए जैसे भी आप चाहते हो, सो दैट नॉलेज हमें भी मिले, आपको मिले थोड़ी बहुत। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ना, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।